चाइना में एक बार फिर कोरोना कहर तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 साल बाद अब पहली बार सभी शहरों में वापस संक्रमण फैल चुका है। कोरोना पर काबू पाने के लिए चीन ने जीरो कोरोना पॉलिसी को लॉन्च किया था, लेकिन यह फेल साबित हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आंकड़ा 62,000 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते चीन में देश की राजधानी संघाई समेत 5 शहरों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। स्थिति लगातार बिगड़ती दिखाई दे रही है। इसका असर अस्पतालों पर भी देखने को मिल रहा है। मरीजों की भर्ती करने के लिए अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट चाइना में तेजी से फैलता जा रहा है। 5 शहरों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों में बंद हो गए। इसी के साथ देशभर में कोरोना की टेस्टिंग को 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की ये सब तैयारियों से पता चलता है कि चाइना में कोरोना की 4थी लहर आ गई है। कोरोना के बेकाबू रफ्तार के बीच इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट और वायरोलॉजिस्ट झेंग वेनहोंग ने कहा, यह चीन के लिए झूठ बोलने और जीरो कोविड पॉलिसी पर बहस करने का वक्त नहीं है। इससे बेहतर होगा कि इस तरह की रणनीति बनाई जाए जिससे कोरोना को काबू में किया जा सके। चाइना के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त है, क्योंकि 2 साल पहले COVID-19 महामारी फैल गई थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।